and welcome back to my channel. So in today's video I am going to share a very basic series of my bra collection. Lots of guys asked me about to share affordable lingerie haul. मैंने last आपके साथ जिवामे का एक haul share किया था. अभी कुछ recently मैंने कुछ purchase किया है lingerie में. So ये कुछ offline भी है, कुछ online भी है, कुछ Amazon से है, कुछ locally sourced है. तो वही चीजें आज इस haul में मैं आपके साथ share करूँगी. This is going to be a helpful video because मैं इसमें आपके साथ अलग-अलग categories की bra and panties के बारे में बात करूंगी. What I am talking about my undergarments haul. Without wasting any time, let's get start the video. इस haul में भी मैंने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है डिपेंडिंग व्हाट टू वियर अंडर व्हाट. सो हम किस किस तरह से इनको डिवाइड कर सकते हैं. तो सबसे पहले जो सबसे जरूरी ब्रा है उसके बारे में बात करना चाहूंगी जो सबसे बेसिक है. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सल ब्रा और अ बेसिक ब्रा जो कि जिसकी नीड आपको डेली रहती है. दिस इज अ डेली वियर ब्रा जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होनी चाहिए. सो फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ब्यूटीफुल यूनिवर्सल ब्रा जो कि इस तरह के न्यूड कलर में आपके पास एक ब्रा जरूर होनी चाहिए जो कि आपके बहुत सारे पर्पसेस को फुलफिल कर देती है. इससे किसी भी टॉप और टीज और किसी भी कुर्ते के नीचे पहन सकते हो. इसका जो मटेरियल है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट एंड स्ट्रेचेबल मटेरियल है. दिस इज अ बेसिक बट परफेक्ट ब्रा फॉर एवरी डे. बैक से ये कुछ इस तरह की है जिसमें यहाँ पे काफी सॉफ्ट सा नेट का फैब्रिक है और इस तरह का जो पैटर्न लिया है टी शर्ट पैटर्न है. आप चाहे तो इसमें पतली स्ट्रैप्स में भी आती हैं. आप उस पैटर्न में भी परचेज कर सकते हो. मेरे पास वो एक ब्लैक कलर की है जो जिसमें पतली स्ट्रैप है. वो मैंने काफ़ी टाइम पहले ली थी. उसका भी मटेरियल सेम है. वो भी काफ़ी कंफर्ट है, नॉन वायर्ड है. और इस सेकेंड कैटेगरी जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी जो कि अगेन एक बेसिक और अफोर्डेबल ब्रा है. इस कैटेगरी में आती है हमारी पुशअप ब्रा. मेरे पास तीन पुशअप ब्रास हैं. एक जो मैंने जिवामे से परचेज की थी जिसको मैंने लास्ट जिवामे हॉल में आपके साथ शेयर किया था वो वायर्ड ब्रा थी. एक ब्रा भी आपको बहुत काम आने वाली ब्रा है जिसमें कुछ इस तरह के पुशअप्स होते हैं. अच्छा, मैंने आपको अपना साइज नहीं बताया. मेरा 32B है. 32 इज माय बस्ट साइज एंड B इज माय कप साइज. उसे ऑल ओवर लुक काफी सीमलेस आता है. वो तो भी मैंने ऑफलाइन एक लोकल शॉप से परचेज किया था बट इसकी भी क्वालिटी अगेन काफी अच्छी है. इसका जो प्राइस है वो मुझे आई थिंक 530 अराउंड ये मैंने परचेज की थी. काफी कंफर्टेबल, काफी अफोर्डेबल ये ब्रा है. अटैचेबल वाले पैड्स हैं. देखिए आप बिल्कुल नॉन वायर्ड है. यहाँ से आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल इसके कप्स हैं. नीचे से भी इसका जो मटेरियल है सेटिंग का वो काफी अच्छी क्वालिटी का है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो. सो इस तरह की ब्रा आपके पास थोड़े से डीप कट नेक में होनी चाहिए. जैसे कि अभी मैंने ये टॉप पहना हुआ है जो कि स्क्वायर शेप में है. तो इस तरह की टॉप के नीचे आप इस तरह की ब्रा को प्रेफर कर सकते हो. आपका जो फ्रंट बॉडी पार्ट है वो काफी फ्लॉन्टिंग दिखेगा. इस टॉप के अंदर भी एक पुशअप ब्रा को भी पहन रखा है. दिस काइंड ऑफ ब्रा रियली वर्क्स. कलर ऑप्शंस आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो. सो नेक्स्ट कैटेगरी आई वुड लाइक टू शेयर जिसमें मैंने कुछ इस तरह की ब्रा को परचेज किया था. इस तरह की रेड स्ट्राइपी लाइट पेडेड के साथ मॉडरेट निपल कवरेज एंड बहुत अच्छे से शेप देती है आपकी बस्ट को. सो दिस इज अगेन अ वेरी कंफर्टेबल ब्रालेट जो कि मैंने जिवामे से परचेज किया था. इसको मैंने लास्ट ईयर परचेज किया था. दिस इज ब्रांड फ्रॉम प्रिटी केट. इस तरह की ब्रालेट भी काफी काम आ जाती है. आप साड़ी के साथ भी स्टाइल कर सकते हो प्लस शीर ट्रांसपेरेंट टॉप के साथ आप इस तरह की ब्रालेट को स्टाइल कर सकते हो. तो काफी काम आने वाली ये अगेन ब्रा है. दिस इज अगेन अ नॉन वायर्ड ब्रा. ये पूरा लेस का मटेरियल है, काफी सॉफ्ट मटेरियल है. इसके जो पेड है वो भी काफी लाइट है. फ्रंट से जो आपका लुक है काफी फ्लोलेस आता है इस तरह के लाइट पेडेड वाली ब्रा में ब्रा है. तो ये इसका बैग कुछ इस तरह का है. इसमें क्रिस क्रॉस स्ट्रैप्स दिए हुए हैं. दिस इज माय नेक्स्ट कैटेगरी जिसमें इस तरह की एक ब्रालेट मेरे पास है जो कि मैंने जिवामे से परचेस किया था। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट कैटेगरी, दिस इज अगेन अ वेरी बेसिक ब्रा जिसमें मेरे पास इस तरह की ब्लैक ब्रा है जिस मैंने वेस्ट साइड से परचेस किया था और ये आई थिंक मुझे 400 समथिंग कुछ मिली थी। ये 100% कॉटन मटेरियल है, काफी सॉफ्ट है, नॉन पैडेड है, नॉन वायर्ड है, बहुत कंफर्टेबल और बेसिक ब्रा है। आई थिंक इस तरह की ब्रा आपके पास जरूर होनी चाहिए। अगर आप घर में भी ब्रा पहनना चाहते हैं तो आप इस तरह की कंफर्टेबल ब्रा पहन सकते हो। सो आई हैव अ ब्लैक वन। आई थिंक इस तरह की एक बेसिक ब्रा तो आपके पास जरूर होनी चाहिए। सो इसको मैंने वेस्ट साइड स्टोर से लिया था और इसको तो मैं काफी टाइम से पहन रही हूँ। एक्चुअली इस तरह की बेसिक ब्रा के ना मल्टीपल यूज होते हैं। आप इस तरह की ब्रा को ना डीप वी नेक कट वाले टॉप, टीज, ड्रेसेस के अंदर भी पहन सकते हो, उनको हाइड करने के लिए या उनको फ्लैंटिंग दिखाने के लिए। जैसे कि मैंने रिसेंटली एक ब्लैक कलर की जो बॉडीकॉन ड्रेस है उसको पहना था तो उसमें काफ़ी डीप नेक था, तो मैंने उसको इस ब्रा से काफ़ी हाइड कर दिया। पता भी नहीं चल रहा है कि डीप नेक है और दिखने में भी काफ़ी फ्लैंटिंग दिख रहा है। सो मैं उसकी फ़ोटो ऐड कर रही हूँ कि ब्रा के मल्टी यूजेज होते हैं। दिस इज द नेक्स्ट कैटेगरी, दिस इज अ वेरी बेसिक एंड जेन्युइन ब्रा जो कि आपके पास जरूर होनी चाहिए। जिनका बर्स्ट साइज अच्छा है, जिनको नॉन वायर्ड और नॉन कप वाली ब्रा चाहिए, वो इस तरह की ब्रा में डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी कंफर्टेबल ये ब्रा होती, काफ़ी लास्ट करती हैं और बहुत अच्छा मटेरियल क्वालिटी इनका होता है। बट आपको किसी ना किसी अच्छे ब्रांड की ही इसको परचेस करना है, किसी भी लोकल ब्रांड का आप इसको मत परचेस कीजिएगा बिकॉज ये एक तो बहुत काम आती है, सिर्फ टी शर्ट्स और टीज के नीचे आप दिन भर पहन सकते हो। तो इस तरह की जो ब्रास होती है वो किसी अच्छी ब्रांड की ही आप लो। नाउ गाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द कैटेगरी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रैपलेस ब्रा जो कि अगेन बहुत काम आती है बिकॉज आजकल हम बहुत इस तरह के डीप कट नेक वाले या ऑफ शोल्डर या फिर शोल्डर स्ट्रैपलेस जिनके पतली पतली स्ट्रैप्स होती हैं, इस तरह के हम ज़्यादातर कपड़े पहनते हैं। चाहे कुर्तीज़ में हो, चाहे टॉप्स में हो, ट्यूनिक्स में हो, हम ऐसे बहुत सारे कपड़े पहनते हैं जिनमें आपको स्ट्रैपलेस ब्रा की नीड होती है। तो इस तरह की स्ट्रैपलेस ब्रा आप उनके नीचे पहन सकते हो, काफ़ी कंफर्टेबल ये होती है। तो एक्चुअली इसमें भी दो कैटेगरी आती है, एक तो ये स्ट्रैपलेस हो गई, एक आती है स्टिक ऑन ब्रा या स्टिक ऑन निपल। लेकिन वो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती, उसमें आपको हर समय लगता है कि कब ये निपल निकल जाएगी। आई डोंट नो, बट मेरा उसके साथ इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। इससे मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, तो इसके बारे में मैं आपको डेफिनेटली बता सकती हूँ कि ये आप एक ज़रूर अपने वॉर्डरोब में रखें। या तो पीछे का जो जिसमें पीछे का जो स्ट्रेप्स हैं वो या तो जो ट्रांसपेरेंट आता है वैसा भी आप कुछ ले सकते हो, या फिर इस तरह का भी आप ले सकते हो जिसमें जो स्ट्रेप्स हैं वो रिमूवेबल स्ट्रेप्स होते हैं और इसके साथ इस तरह के जो ट्रांसपेरेंट स्ट्रेप्स होते हैं वो एक्स्ट्रा में आते हैं, तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हो या आप स्ट्रेप्स को हटा के भी इनको यूज़ कर सकते हो। सो रिमूवेबल स्ट्रेप्स वाली एक ब्रा आई थिंक आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। मेरे पास पैडेड है, इसमें नॉन पैडेड भी आती है। नाउ गाइस, ब्रा सेक्शन इज ओवर। मैं बात करना चाहूँगी पीरियड पैंटीज की, जो कि मैंने लास्ट एक पीरियड ब्लॉग आपके साथ शेयर किया था थोड़े दिन पहले, उसमें मैंने इसके बारे में डिटेल में आपके साथ बात की है। तो अभी मैं डिटेल में तो आपके साथ बात नहीं करूँगी, बट मैं इसको आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इस तरह की जो पैंटी है ये मैंने अमेजोन से ली है। दिस इज ब्रांड फ्रॉम आदिरा, बहुत अच्छी क्वालिटी की है, 100% कॉटन मटेरियल है, डेबल फैब्रिक है। इस तरह का ये जो मटेरियल है अंदर लाइनिंग मटेरियल इसमें अटैच होता है जिसकी वजह से लीक प्रूफ होती है, तो कहीं से भी कोई लीक होने के चांसेस नहीं होते। सपोज पेड में से थोड़ा बहुत कहीं से लीक हो जाता है तो इस पैंटी के आते आते वो एब्जॉर्ब हो जाता है, तो काफ़ी वर्क करती है। ये की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। ये मैंने दोनों अमेजोन से ली है और ये आई थिंक दोनों मुझे 700 के आसपास मिली है, तो आई थिंक 350 के अराउंड मुझे एक पैंटी मिली है और काफ़ी अफोर्डेबल है, काफ़ी काम आती है। मैंने जो पिछला आपके साथ पीरियड ब्लॉग शेयर किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने इसे 2-3 साल यूज़ कर लिया क्योंकि हम आर्टली से पीरियड्स में ही यूज़ करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा वर्क करती है। सो अगेन, दिस इज मस्ट हैव पैंटी जो कि पीरियड पैंटी के नाम से आपको आदिरा ब्रांड की अमेजोन पर मिल जाएगी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है और मैंने यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से। इसके बाद मैं एक और कैटेगरी की बात करूँगी जो कि डेली वियर पैंटी है, जो मैं प्रेफर करती हूँ कुछ इस तरह की डेली वियर पैंटी। आई एम इन द साइज ऑफ 90 100% कॉटन मटेरियल को ही प्रेफर करती हूँ, बिकॉज जो ब्रीदेबल फैब्रिक हो, जिसको आप डेली में पहनते हो और दिन भर पहनते हो, तो वो काफ़ी सॉफ्ट, कंफर्टेबल, ब्रीदेबल होना चाहिए। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दी बेसिक 2 पैंटीज जिनको मैंने रिसेंटली परचेज किया है, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। बहुत लोग पूछते हैं किस तरह की, किस क्वालिटी की, किस मटेरियल में हमें परचेज करनी चाहिए, क्या सही होती है, किस तरह की हमें डेली में पहनना चाहिए। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दीज 2 पैंटीज 100% कॉटन मटेरियल में है, तो मैं डेली में प्रेफर करती हूँ कुछ इस तरह की पैंटीज जो कि काफ़ी सॉफ्ट, कंफर्टेबल एंड ब्रीदेबल मटेरियल में होती है। मटेरियल काफ़ी अच्छा होता है, नो डाउट, बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्फी मटेरियल होता है, जिनको आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। मैं हाईली रिकमेंड करूंगी इस तरह की कॉटन पैंटीज जो कि ब्रीदेबल फैब्रिक में हो। सो दिस इज ऑल अबाउट माई लॉन्ड्री हॉल। काफ़ी अफोर्डेबल है, ज़्यादातर लोकली सोर्स्ड है या फिर जिवामे और अमेजोन का है, तो जो लिंक है वो आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो आई होप आज का हॉल आपके लिए हेल्पफुल रहा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।